बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स, तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था अपना नोबल जीआईटी ड्राइव रेलवे सिस्टम, उसमें फिर हमने क्लासिफाई किया हुआ था उसको डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स में, जो कि हम डिलीवरी सिस्टम्स में जो कि यूज करते हैं। उन डिलीवरी सिस्टम में से एक जो है वो हमारा गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम को हमने फर्दर क्लासिफाई किया है इनटू फ्लोटिंग म्यूको एडहेसिव, इसी तरह से रैफ्ट फॉर्मिंग सिस्टम, हाई डेंसिटी सिस्टम, माइक्रो पोरस सिस्टम, सिमिलरली हमने उसको सुपरा पोरस सिस्टम, और इसी तरह से हमने उसको क्लासीफाई किया हुआ है सेल्फ एक्सपेंडिंग एंड सम शेप मॉडिफाइंग सिस्टम। उनमें से आज हम फिर पहला सिस्टम डिस्कस करेंगे जो कि है फ्लोटिंग ड्रग सिस्टम, इसको इन द अदर वर्ड्स हम लो डेंसिटी सिस्टम भी कहते हैं। तो फ्लोटिंग ड्रग सिस्टम से मुराद है कि जैसे ये आपको पिक्चर यहाँ पे नजर आ रही है, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो हमने फॉर एग्जांपल एक डिलीवरी सिस्टम दिया तो वो एसोफेगस से आएगा, एसोफेगस से वो स्टमक के अंदर आएगा। अगर ये स्टमक का हम कहें कि अपर गैस्ट्रिक फ्लूड का अपर मिनिस्कस है, तो उसके ऊपर अगर ये सिस्टम रहे, इसके अंदर ना जाए, इसके नीचे ना जाए फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, और सिमिलरली ये सस्टेन्ड कंट्रोल रिलीज भी हो, तो फिर ये सिस्टम हमारा फ्लोटिंग ड्रग सिस्टम कहलाएगा। तो ऐसा सिस्टम जिसकी डेंसिटी लोअर देन द गैस्ट्रिक फ्लूड हो और वो फिर रिमेन रहे इन द बॉयंट स्टेज और इन द फ्लोटिंग स्टेज फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, इन अ पीरियड ऑफ अ टाइम इन विच इट विल एक्चुअली रिलीज होल क्वांटिटी ऑफ द ड्रग विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन द डिलीवरी सिस्टम एंड इट विल नॉट बी एक्चुअली पास्ड फ्रॉम द स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन और ड्यूडिनम। So this type of a system which will not be affected by any kind of MMC or any kind of other peristaltic movements and it will remain within the stomach for a prolonged period of a time in the form of floating or in the form of buoyancy. So it will be called as floating drug delivery system. तो जैसे कि हमने कहा है कि ये सिस्टम जो है थर्ड जनरेशन के बाद का सिस्टम होता है, तो जैसे डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे ड्रग पॉलीमर और कोई भी एजेंट, एफर्वेसेंट एजेंट हो सकता है या फिर ये नॉन एफर्वेसेंट एजेंट भी हो सकता है। यहाँ पे एफर्वेसेंट लिखा है तो इट कुड बी एफर्वेसेंट और नॉन एफर्वेसेंट, तो कोई हमने मैकेनिज्म ऐड करना है। ड्रग के अंदर हमने वो पॉलीमर डालना है जो इसकी रिलीज को कंट्रोल कर रहा है या सस्टेन कर रहा है, और फिर हमने कोई ऐसा पॉलीमर डालना है या ऐसा एजेंट डालना है जो इसको फ्लोट भी करवा रहा है। इट कुड बी एफर्वेसेंट और इट कुड बी नॉन एफर्वेसेंट। तो इस तरह के सिस्टम को फिर हम जैसे फ्लोटिंग ड्रग सिस्टम कहते हैं, इस तरह लो डेंसिटी सिस्टम कहते हैं। सिमिलरली इसको हम हाइड्रोडायनेमिकली बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं। तो HBS हमने इसको फिर एब्रीवेट किया है, तो हाइड्रोडायनेमिकली बैलेंस सिस्टम जो है वो हमारा फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहलाता है। तो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिसकी बेस के ऊपर हम ये बनाएंगे, सिस्टम को डेवलप करेंगे। हम कहेंगे कोई मिनिमम फीचर्स हमें जो रिक्वायर्ड होते हैं वो, उनकी बेसिस के ऊपर हम कोई भी डिलीवरी सिस्टम डिजाइन करते हैं। तो मेजर जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं कि जिसकी बेस के ऊपर फ्लोटिंग सिस्टम डिजाइन किया जाएगा, वो ये है कि सबसे पहले तो ये थर्ड जनरेशन भी सिस्टम है, तो थर्ड जनरेशन के लिए हमें रिलीज कंट्रोल रिक्वायर्ड। तो इसमें फिर एक रिलीज कंटेंट होना चाहिए जो कि स्लोली रिलीज करे, यानी कि ये कुमेट्रिक्स होना चाहिए, कोई रिजर्वायर होना चाहिए या कोई और फेज होनी चाहिए, कोई लेयर होनी चाहिए जो कि एक्चुअली ड्रग, जिसमें ड्रग इनकॉर्पोरेटेड हो और वो ड्रग को रिलीज करे एट अ स्लो और कंट्रोल रेट, वो सस्टेन्ड या कंट्रोल रेट के ऊपर ड्रग को रिलीज कर रहा हो। तो ये एक रिजर्वायर होना चाहिए या एक कॉन्टेंट उसमें ये होनी चाहिए। सेकेंडली, तो जो वो पूरा सिस्टम है जिसमें ये रिजर्वायर एग्जिस्ट करता है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो गैस्ट्रिक कंटेंट से कम होनी चाहिए। तो गैस्ट्रिक कंटेंट से कम से मुराद है 1.1 से 1.1 तक, एक्चुअली 1.3 तक, तो इतनी होती है गैस्ट्रिक कंटेंट्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होनी चाहिए एक्चुअली, यानी कि 1 होगी तो फिर ये 1.004 से कम होगी या 1.01 से कम होगी। तो अगर इसकी डेंसिटी 1 या लेसर देन 1 होगी तो फिर ये फ्लोट कर सकता है। तीसरा, इसको कोई एक ऐसा जेल बैरियर बनाना चाहिए जो कि कोहेसिव इन नेचर हो, वो ताकि फर्दर किसी मेम्ब्रेन के साथ अटैच कर सके। तो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी ज्यादा म्यूको एडहेसिव के लिए होता है, लेकिन इनमें भी ऐसे होता है कि थोड़ा बहुत कोहेसिव जेल बैरियर हो जो कि
को हिस्से बना काज कर सके, अटैच कर सके टू द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये इसके एक मेजर रिक्वायरमेंट है। और इनहेरेंट जो लो डेंसिटी उसकी होगी वो हो सकती है दो फिनोमिना से, या तो वो हो सकती है इंट्रैपमेंट ऑफ एयर जो कि एक चैम्बर की फॉर्म में उसके अंदर, एयर चैम्बर की फॉर्म में उसके अंदर लगी हुई है, तो वो चैम्बर एयर का चैम्बर जो है वो उसको उसका वॉल्यूम बढ़ा देगा और उसकी डेंसिटी लोअर कर देगा, या फिर आपने कोई ऐसा मटीरियल उसमें डाल दिया है जिसकी डेंसिटी लोअर है और वो यानी कि ऐसा मटीरियल है जो कि जब बॉडी में जाएगा तो बॉडी के टेम्परेचर के ऊपर वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो जब गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो उसके अंदर गैस भर जाएगी तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और उसका वेट कम हो जाएगा, तो वेट कम होने की वजह से, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से उसकी डेंसिटी लोअर हो जाएगी। तो ऐसे किया जा सकता है, या फिर हम कोई एक पॉलीमर इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, वो पॉलीमर जो है वो उसको पोरस बना सकता है, वो उसको ऐसा बना सकता है उसकी विस्कोसिटी, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम कर सकता है, यानी कि उसकी वॉल्यूम बढ़ा सकता है और वेट कम कर सकता है। तो इस तरह का कोई मैकेनिज्म हमारा फ्लोटिंग डिलीवरी सिस्टम डिफाइन कर देगा। अच्छा, इस तरह से ये जो फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं वो या तो मल्टी यूनिट फ्लोटिंग ड्रग सिस्टम होते हैं या फिर सिंगल यूनिट डोजेज होते हैं। सिंगल डोजेज यानी कि सिंगल लेयर टैबलेट है आपकी, उसी के अंदर आपने मिक्स किए हुए हैं एफर्वेसेंट एजेंट्स या ये ऑयल फेज भी उसी के अंदर मिक्स किया हुआ है, ये सिंगल यूनिट डोजेज है। तो इसको जरा थोड़ा सा मुश्किल होता है कि ये अपना डिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करें। इससे प्रेफरेबल होते हैं कि हमारे मल्टीपल यूनिट फ्लोटिंग सिस्टम, मल्टीपल यूनिट से यानी कि रिजर्वायर एक अलहदा और ड्रग का, उसको हम कुछ ना करें, हम एक सेकंड लेयर लगाएं जिसमें हमारी फ्लोटिंग के एजेंट्स हों, या फिर हम एक सेकंड लेयर लगाएं जिसमें ऑयल फेज हो, या हम एक सेकंड लेयर हो उसके ऊपर जो कि पॉलीमर हो जिसका ये काम हो कि उसने स्वेल करना है और उसमें इसकी डेंसिटी लोअर करनी है, वो हमारा रिजर्वायर जो है वो वैसे का वैसा ही रहे, ये मल्टीपल यूनिट फ्लोटिंग सिस्टम होता है। तो मल्टीपल यूनिट फ्लोटिंग सिस्टम में ये होता है कि आपके आपके ऊपर वाला सिस्टम सिर्फ डिग्रेड करता है, अंदर वाला जो कॉन्टेंट रिजर्वायर होता है वो डिग्रेड नहीं करता, तो वो डिग्रेड नहीं करेगा तो इसलिए फिर डोज डंपिंग भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो डिग्रेड करेगा तो उसमें से सारी ड्रग बाहर आ सकती है, तो वो तो पोरस ही होता है और वो उसी स्ट्रक्चर पे रहता है, तो वो उसी स्ट्रक्चर पे रहने की वजह से वो फिर उसमें से एक कंट्रोल रेट से ड्रग रिलीज करी जा रही होती है। तो डोज डंपिंग जो पॉसिबल है सिंगल यूनिट डोजेज से, वो फिर हम मल्टीपल यूनिट डोजेज से अवॉइड कर सकते हैं। तो फ्लोटिंग, फिर इस तरह से हमने फ्लोटिंग को दो टेक्निक्स में डिवाइड किया हुआ है, एक को हम कहते हैं एफर्वेसेंट फ्लोटिंग ड्रग सिस्टम और एक को कहते हैं हम नॉन एफर्वेसेंट ड्रग सिस्टम। एफर्वेसेंस हम कहते हैं जब कोई भी लिक्विड के अंदर गैस जो है वो ऊपर की तरफ मूव करती है, लिक्विड से गैस इन द फॉर्म ऑफ बबल्स ऊपर की तरफ मूव करें, तो इसको हम एफर्वेसेंस कहते हैं। तो एफर्वेसेंस नॉर्मली जनरेशन ऑफ गैस से होती है, अगर किसी सिस्टम के अंदर कोई गैस जनरेट हो जाए तो वो गैस फिर बबल्स की फॉर्म में उस लिक्विड के अंदर से बाहर आना शुरू हो जाती है, तो इसको एफर्वेसेंस कहा जाता है। एफर्वेसेंस में नॉर्मली गैसेस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोड्यूस होना है, ऑक्सीजन का प्रोड्यूस होना है, नाइट्रोजन का प्रोड्यूस होना है, ऐसे कोई कुछ गैसेज हैं जो कि प्रोड्यूस होती है, ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, या फिर कोई ऑयल की ऑयल हो सकता है जिसकी कोई गैस बन गई है और वो फिर वहां से प्रोड्यूस हो सकती है। तो फिर एफर्वेसेंट को दो क्लासेस में इस तरह हमने क्लासिफाई कर दिया, एक जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेटिंग सिस्टम होगा ये, जिसमें कोई हम बेस को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे और उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने से इस सिस्टम की डेंसिटी कम हो जाएगी और ये सिस्टम फ्लोट करने लग जाएगा और एफर्वेसेंस प्रोड्यूस होने लग जाएगी। दूसरा जो है उसको हम वोलेटाइल लिक्विड कंटेनिंग सिस्टम कहते हैं, ऐसा लिक्विड यानी कि कोई ऐसा ऑयल हमने डाला है जो वोलेटाइल इन नेचर है तो वो गैस बन जाएगा, तो इसको हम गैस जनरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं या एफर्वेसेंट फ्लोटिंग ड्रग सिस्टम भी कहते हैं। इस तरह से नॉन एफर्वेसेंट फ्लोटिंग ड्रग सिस्टम है, इनमें एफर्वेसेंस जनरेट नहीं होनी फिर भी ये फ्लोट कर सकते हैं। इनमें से एक सिस्टम जिसको हम कोलाइडल जेल बैरियर सिस्टम कहते हैं, यानी कि ये इसमें एक जेल लाइक मटीरियल होता है जो कि सिस्टम को कोलाइड बना सकता है, कोलाइडल नेचर दे देता है, तो वो सॉलिड से कोलाइड की तरफ चला जाता है। तो ये कोलाइड जो है वो, क्योंकि उसमें कोलाइड फिर एक तरह से ज्यादा वॉल्यूम कैरी करता है और कम वेट कैरी करता है, तो ये कोलाइडल जेल बैरियर होने की वजह से ये बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर जाता है, कोलाइडल होने की वजह से ये एक्सपैंड कर जाता है सिस्टम, तो इसका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, साइज बढ़ने से इसकी डेंसिटी कम होती है, तो ये कोलाइडल जेल बैरियर बनता है। इसी तरह से एक सिस्टम है जो एल्जिनेट बीड्स कहलाता है,
एल्जिनेट बीड्स में हमने ये एल्जिनेट के बीड्स बनाए हुए हैं। एल्जिनेट की ये प्रॉपर्टी होती है कि एल्जिनेट बहुत ज्यादा वॉल्यूम कैरी करने वाला एक मटेरियल है और पोरस मटेरियल है। इसके साथ इसका वेट बहुत कम होता है, तो इसकी डेंसिटी हमेशा 1 से कम होती है। तो अगर हम एल्जिनेट के साथ ड्रग को ब्लेंड कर दें और उसके बीड्स बना लें, एक बड़ा मॉलिक्यूलर साइज का राउंड स्फीयर बना लें, तो बीड्स बना लें जो ग्रेन्यूल्स की ही एक टाइप है, लेकिन ये लार्जर साइज के होते हैं बीड्स ग्रेन्यूल्स। तो एल्जिनेट के हम साथ बना लें तो ये एल्जिनेट बीड्स कहलाएंगे और ये फ्लोटिंग कहलाएंगे। इस तरह हॉलो माइक्रोस्फीयर होता है, हम एक माइक्रोस्फीयर बना लें जिसका सेंटर हॉलो हो, सेंटर में कुछ भी ना हो। ये हमने थर्ड जनरेशन सिस्टम में भी पढ़ा हुआ है माइक्रोस्फीयर में कि हॉलो भी किया जा सकता है। तो हॉलो अगर बना लें तो उसका फिर वेट बहुत कम होगा और उसका एरिया ज्यादा होगा, जिसकी वजह से वो फ्लोट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम कोई एक सिस्टम ऐसा बना लें जिसमें हम एक कंपार्टमेंट ले लें जो कि रेजरवायर है, उसको हम माइक्रोपोरस कहते हैं। माइक्रोपोरस कंपार्टमेंट ले लें, उसके साथ एक कंपार्टमेंट ले लें जो इसमें हम गैस भर दें, गैसवस चैम्बर लगा दें। एक चैम्बर में हमने ड्रग डाली हुई है, वो माइक्रोपोरस है, और कंपार्टमेंट है यानी कि उसके ऊपर एक लेयर है माइक्रोपोरस, और उसके साथ हमने एक गैस चैम्बर लगाया, तो ये माइक्रोपोरस कंपार्टमेंट सिस्टम होता है। इसी तरह से एक सिस्टम जो कि रैफ्ट फॉर्मिंग सिस्टम होता है, रैफ्ट फॉर्मिंग से मुराद है कि रैफ्ट, मैंने आपको बताया था, ये एक लेयर को कहते हैं जो कि मेम्ब्रेन के ऊपर बन जाती है, उस फ्लूइड के ऊपर बन जाती है, गैस्ट्रिक फ्लूइड के ऊपर बन जाती है। तो अगर गैस्ट्रिक फ्लूइड के ऊपर एक मेम्ब्रेन बन जाए और वो डिलीवरी सिस्टम की हो, वो उसको सारे को कवर कर ले, कवरिंग एक कंटेंट्स जो होता है वो रैफ्ट होता है, तो वो रैफ्ट फॉर्मिंग सिस्टम हो जाएगा, तो वो भी फ्लोटिंग सिस्टम बन जाएगी। ऐसी एक मैग्नेटिक सिस्टम भी होता है जो कि फ्लोटिंग सिस्टम होता है, फ्लोटिंग टेक्निक होती है। तो आप एक मैग्नेट जो है वो इनकॉर्पोरेट कर देते हैं विद इन द सिस्टम, और एक मैग्नेट जो है वो बाहर बॉडी पे ऊपर लगा दिया जाता है जिस जगह पे आपने इसको फ्लोट कराना है, तो वो मैग्नेट के साथ जाके अटैच कर देते हैं, तो वो वहीं पे रहता है, उसी जगह पे रहता है। ऐसा सिस्टम मैग्नेट सिस्टम कहलाता है। अच्छा, कमिंग टू द फर्स्ट सिस्टम जिसको हम एफर्वेसेंट सिस्टम कहते हैं। एफर्वेसेंट सिस्टम से मुराद है कि इसने ऑन द रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस गैस जनरेट करनी है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो गैस जनरेट करके ये सिस्टम फ्लोट करना शुरू करेगा, तो ऐसा सिस्टम एफर्वेसेंट सिस्टम कहलाएगा। एफर्वेसेंट सिस्टम फिर दो तरह का हमने कहा, एक जिसमें वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग सिस्टम है, ये यानी कि एफर्वेसेंट सिस्टम भी, एक में गैस जनरेट होनी है और एक में हमने कहना है कि वो कोई ऑयल था जो कि गैस जनरेट करने लग गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं भी हो सकती, तो उनमें से एक जो है वो वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग सिस्टम है और एक जो है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटिंग सिस्टम। तो कमिंग टू फर्स्ट वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग सिस्टम, तो इसमें वोलेटाइल ऑयल में दो चैम्बर होते हैं, एक चैम्बर जिसमें हमने रेजरवायर ऑफ द ड्रग है, यानी कि ये मल्टीपल यूनिट फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। तो मल्टीपल यूनिट फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम में फिर क्या होता है कि एक हमने जरूरी होता है कि एक हमने ड्रग का रेजरवायर रखना है या ड्रग का पार्ट रखना है, तो वन इज द रेजरवायर ऑफ द ड्रग एंड सेकंड वन इज द रेजरवायर फॉर वोलेटाइल ऑयल। तो एक में, यानी कि अगर आप कहें कि हमने ये मल्टीपल लेयर टैबलेट बना ली है, तो एक लेयर जो है वो सॉलिड है और एक लेयर जो है वो लिक्विड है, और उसकी गिर्द हमने एक मेम्ब्रेन लगाई हुई है, तो वो एक मेम्ब्रेन, तीसरी जो है वो कोटिंग ऑफ चैम्बर है विद अ पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन जो कि पोरस इन नेचर है, इनको हमने उससे कवर कर दिया, ये दोनों अब उससे बाहर नहीं आ सकते। तो वो जो एक रेजरवायर है उसकी मेम्ब्रेन जो है वोलेटाइल ऑयल वाली, वो नॉन परमीएबल है, उसमें से कुछ भी परमिएट नहीं कर सकता। जो ड्रग के रेजरवायर की मेम्ब्रेन है वो पॉलीमर की है और वो माइक्रोपोरस हो सकती है, उसमें से मेम्ब्रेन में से ड्रग जो है वो बाहर, तो जैसे ही फ्लूइड उसके अंदर जाएगा तो वो फ्लूइड के साथ मिलकर ड्रग बाहर आना शुरू हो जाती है। तो ऐसा सिस्टम हमारा मल्टीपल चैम्बर वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग सिस्टम कहलाता है। इसको अगर आप ये पिक्चर देखें तो इसमें आपको नजर आएगा कि ये कोई एक मल्टीपल चैम्बर है, इसमें ये बाहर एक कोटिंग मेम्ब्रेन है, किसी एक पॉलीमर की एक मेम्ब्रेन हमने लगाई हुई है, इसके अंदर दो रेजरवायर है, एक ये ऊपर जो आपको नजर आ रहा है जिसमें डॉट्स लगे हुए हैं, ये जो है ड्रग का रेजरवायर है, तो ड्रग की एक रेजरवायर हमने इसके अंदर लगाया। सेकेंडली ये जो है एक हमने चैम्बर लगाया जिसके अंदर हमने ऑयल भरा हुआ है, ऑयल फिल्ड चैम्बर, इसको डॉट इसलिए लगाया कि ये पोरस होता है, और इसको डॉट नहीं लगाया क्योंकि ये पोरस नहीं है, ये किसी भी तरह से इसके अंदर से कोई भी चीज बाहर नहीं आ सकती। इसके साथ हमने उस चैम्बर के साथ हमने एक यहाँ पे
प्लग लगाया हुआ है या एक फिलामेंट लगाया हुआ है जो कि बायो एरोडेबल है, ये एक टाइम के बाद डिग्रेड कर देगा, तो ये इसके अंदर होल कर देगा, ये जो नीचे वाला हमारा इन्फ्लेटेबल चैम्बर है इसमें वो होल कर देगा, तो होल करने की वजह से ये फिर इसमें से गैस बाहर आ जाएगी, गैस क्योंकि ये बाहर वाली मेम्ब्रेन भी पोरस है तो इसमें से भी गैस बाहर आ जाएगी, तो ये सिस्टम सिंक कर देगा, जैसे सिस्टम सिंक करता है तो ये फिर यहाँ से बॉडी से इवैक्यूएट कर दिया जाता है। तो वोलेटाइल ऑयल गैस सिस्टम जो है ये इसमें जो वोलेटाइल ऑयल फील्ड है ये उस वक्त गैस में कन्वर्ट होगा जब ये बॉडी टेम्परेचर पे आएगा, यानी कि ये 37 या उस डिग्री सेंटीग्रेड पे जब रीच करेगा तो उस टेम्परेचर के ऊपर ये गैस में कन्वर्ट होगा, उससे पहले ये गैस में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जैसे ही ये गैस में कन्वर्ट होगा तो इस ये एक्सपैंड कर देगा, सिस्टम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो इसका वेट जो है वो कम हो जाएगा और इसकी वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम बढ़ने से उसका डेंसिटी जो है वो लोअर हो जाएगी और ये सिस्टम फ्लोट करने लग जाएगा, और इसके साथ ही फिर वाटर पेनिट्रेट करना शुरू होगा और मैट्रिक्स में से ये जो रिजर्वायर ड्रग का रिजर्वायर है इसमें से ड्रग जो है वो बाहर डिस्पेंस होना शुरू हो जाएगी, और सिमिलरली जो बायो एरोडेबल पॉलीमर है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा, और इसका टाइम जो डिग्रेड होने का है वो तकरीबन 24 आवर्स का काम रखते हैं, या कोई भी टाइम पीरियड आप रख दें जितना आपने इस सिस्टम को जिससे ड्रग को डिलीवर करना है उतना टाइम रखा जा सकता है। इतने टाइम के बाद ये जो हमारा बायो एरोडेबल प्लग है वो यहाँ से डिग्रेड कर जाता है, यानी कि वो एरोड हो जाता है, एरोड होने से वो होल कर देता है इस गैस वाले चैम्बर में, तो गैस यहाँ से फिर लीक होना शुरू हो जाती है, तो गैस के लीक होने की वजह से फिर ये सिस्टम सिंक करना शुरू होता है, तो सिंक होने पे ये फिर बॉडी से इवैक्यूएट यानी कि बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अच्छा, फिर एक दूसरा सिस्टम है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेटिंग सिस्टम कहते हैं, इस सिस्टम को अगर हम देखें तो इसमें सिस्टम में तकरीबन 4 लेयर्स होती हैं, ये 4 लेयर्ड सिस्टम है जिसमें एक सेंटर में हमने एक लेयर लगाई हुई है, ये जो सेंट्रल लेयर है, सेंट्रल लेयर जो हमने लगाई हुई है ये सेंट्रल लेयर ड्रग की है जो कि सस्टेन्ड रिलीज या कंट्रोल रिलीज, हमने एक टेबलेट फॉर एग्जांपल बना ली है और वो सस्टेन्ड कंट्रोल रिलीज की थी वो हमने यहाँ पे रख ली है, वो फॉर एग्जांपल राउंड टेबलेट हमने बना ली है। अब हमने उसके ऊपर कोट करना शुरू कर दिया, एक हमने कोट कर दिया जो कि हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट का था, तो हमने सोडियम बाइकार्बोनेट का कोट करने से मुराद है कि हमने उसको एक बाहर सब सोडियम बाइकार्बोनेट रख के दोबारा कंप्रेस कर दिया, तो एक बायलेयर टेबलेट बन गई, एक सराउंडिंग लेयर बन गई वो सोडियम बाइकार्बोनेट की है, सेंट्रल लेयर जो है वो सस्टेन रिलीज हमारी ड्रग की है। उसके बाद फिर हमने फर्दर उसको फिर एक दफा कोट किया, ये कोट किया है या इसी तरह से हमने एक थर्ड लेयर ऑफ द टेबलेट डेवलप कर दी, वो टार्टरिक एसिड से बना दी। तो सोडियम बाइकार्बोनेट हमने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि ये बेस का एक सॉल्ट है तो ये एसिड के साथ रिएक्ट कर सकती है, बेस जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो वो एसिड के साथ रिएक्ट कर सकती है, और ये उसका सॉल्ट जो है हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया हुआ है, तो ये बेस और एसिड रिएक्ट कर सकते हैं, एसिड जो है वो टार्टरिक एसिड हमने लिया है तो टार्टरिक एसिड इसके साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने इस सारे सिस्टम को फर्दर एक ऐसे पॉलीमर के साथ कोट कर दिया है विच हैव अ नेचर ऑफ स्वेलिंग, वो स्वेल कर सकता है, वो यानी कि अपने शेप गेन रख सकता है या वो स्वेल कर सकता है, लेकिन वो गैस को यहाँ से बाहर नहीं आने देता, गैस यहाँ से बाहर नहीं आ सकती, सिस्टम इसे ड्रग जो है वो ड्रग आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ पार्ट बनती है, वाटर क्योंकि पेनिट्रेट कर सकता है तो वो वाटर ही इसको वाटर बाहर प्रेशर होता है तो वाटर की वजह से गैस यहाँ से बाहर नहीं निकलती इस पॉलीमर की मेम्ब्रेन से, लेकिन वाटर की पेनिट्रेबिलिटी होती है तो वो इस मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर देता है, तो आगे तो सिर्फ ये ड्रग लेयर बचती है जब वाटर पेनिट्रेट करना शुरू हो जाता है, तो वो इसके इसको फिर आहिस्ता आहिस्ता वेट करता है और इसमें से फिर डिफ्यूजन कराना शुरू कर देता है, तो ड्रग डिफ्यूज करना शुरू होती है और ये रिएक्शन होता रहता है थोड़ा थोड़ा करके, लिक्विड आता रहता है तो वहां वहां से रिएक्शन होता रहता है, जितना लिक्विड ये चलता रहेगा रिएक्शन होता रहेगा और गैस इसके अंदर फिल होती रहेगी, और ये प्रोसेस चलता रहेगा अंटिल अनलेस होल ऑफ द बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड एक्चुअली रिएक्ट्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, और वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड एक बलून की तरह इस मेम्ब्रेन के अंदर फिल हो जाएगी, जैसे ये आपके सामने सिस्टम है, तो ये पहले इस तरह से 4 लेयर्ड सिस्टम था हमारा, सेंट्रल सस्टेन कंट्रोल रिलीज लेयर,
उससे एक्सटर्नल टार्टरिक एसिड लेयर, उससे एक्सटर्नल सोडियम बाइकार्बोनेट लेयर और उससे एक्सटर्नल हमारी एक पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन जो कि स्वेल लेवल पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन वो। तो इसमें जब गैस जनरेट होगी तो ये फॉर एग्जांपल सिस्टीन रिलीज लेयर ब्लैक से बनाई है तो वो यहाँ पे रह जाएगी, बाकी सारी गैस बन जाएगी। तो गैस बनने से इसकी सारे सिस्टम की डेंसिटी कम हो जाएगी और ये सिस्टम ऊपर फ्लोट करना शुरू हो जाएगी। तो ये ड्रग जो कि यहाँ पे इस मेम्ब्रेन के साथ इन कॉन्टेक्ट होगा, यहाँ से फ्लूइड इसके अंदर मूव करेगा, इसको यहाँ से डिजोल्व करेगा और फिर यहाँ से ड्रग इसमें से रिलीज होना शुरू होगी एट अ द रेट जो कि पॉलीमर इसको अलाउ करेगा इसके अंदर, जिससे हमने सस्टेन रिलीज बनाई हुई। और ये सिस्टम उतनी देर तक बॉन्ड रहेगा जब तक ये इसमें से ड्रग नहीं निकल जाती। ड्रग निकल जाएगी तो उस वक्त फिर ये होल जो है इसमें से जो यहाँ से वाटर पेनिट्रेट कर रहा था वहां से गैस भी इवैक्यूएट होना शुरू हो जाएगी। ये शुरू में भी होती रहती है थोड़ी थोड़ी गैस इवैक्यूएट यहाँ से, तो ये सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम में से गैस निकलती रहती है और सिस्टम की डेंसिटी बढ़ती जाती रहती है, बढ़ती जाती रहती है। तो वो टाइम पीरियड होता है जो हम फिर इस मेम्ब्रेन का एक्सटर्नल मेम्ब्रेन का डिजाइन करेंगे कितने टाइम तक ये मेम्ब्रेन इसको होल्ड कर सकती है। तो ऐसा सिस्टम फिर फ्लोटिंग सिस्टम रहेगा और ये आपको 6 घंटे तक की डिलीवरी के लिए, ज्यादातर ये 6 घंटे से 24 घंटे तक की डिलीवरी के लिए होता है। तो 6 घंटे तक तो ईजिली डिलीवरी दे सकता है कंट्रोल रिलीज डिलीवरी। अच्छा जी, इसके बाद मेरी स्लाइड्स खत्म हो गई। तो इसके बाद आए थे हैं नॉन, यहां से पढ़ाते हैं नॉन एफर्वेसेंट सिस्टम। नॉन एफर्वेसेंट फ्लोटिंग ड्रग सिस्टम में सबसे पहले सिस्टम जो है वो कोलाइडल जेल बैरियर सिस्टम है। कोलाइडल जेल बैरियर सिस्टम हम कहते हैं कि ये वो सिस्टम है जिसमें हमने एक मटीरियल ऐड करना है जो कि जेलिंग एजेंट है। नॉन एफर्वेसेंट सिस्टम में आपको गैस जनरेट नहीं होनी। नॉन एफर्वेसेंट सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ जो हमारा पॉलीमर है वो सिर्फ पॉलीमर ही डेवलप करेगा उसकी फ्लोटिंग कैपेसिटी, जो भी सिस्टम की फ्लोटिंग कैपेसिटी होगी। तो उसमें हमने जो एक सिस्टम लिया है वो कोलाइडल जेल है, तो जेल लाइक मटेरियल हमने लिया है। तो जेल लाइक मटेरियल आपको पता होंगे कि आपने डील भी किए हैं, तो जो सेलुलोज के डेरिवेटिव्स हैं जैसे HPMC है, इस तरह HEC है, इस तरह से EC है, इथाइल सेलुलोज है या मिथाइल सेलुलोज है, ये जो पॉलीमर है इन ये वाटर के अंदर जब आते हैं तो ये जेल फॉर्म करते हैं, ये जेल लाइक एजेंट बन जाते हैं। तो जेल लाइक एजेंट अगर इसमें वाटर पेनिट्रेट कर जाए इस सिस्टम के अंदर तो ये जेल लाइक मटेरियल जो है वो कोलाइड बनना शुरू हो जाएगा, कोलाइडल सिस्टम कोलाइडल फेज गेन करना शुरू हो जाएगा। तो ये बन जाएगा कोलाइडल जेल बैरियर। एक बैरियर लगा दें यानी कि इसके गिर्द हम एक मेम्ब्रेन लगा दें जो कि इसको यहाँ से जल को या इस जो कोलाइड है इसको वहां से बाहर नहीं जाने देगा, बाहर कंटेंट्स के साथ मिक्स नहीं होने देगा। तो ये बैरियर बन जाएगा, तो कोलाइडल जेल बैरियर बन जाएगा। और ये जो हम बाहर मेम्ब्रेन लगाते हैं वो मेम्ब्रेन हमारी उस पॉलीमर की होती है जिससे हमने इसकी सस्टेन रिलीज अचीव करनी है, या फिर हमारी ये जो जेल होती है ये भी उसी मटीरियल की होती है जिससे हमने उसकी सस्टेन कंट्रोल रिलीज अचीव करनी है। तो वो बाहर वाली मेम्ब्रेन या फिर ये जेल के साथ हमारा कोई पॉलीमर ऐसा हो सकता है जो कि उसकी सस्टेन रिलीज को कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल या सस्टेन रिलीज डेवलप कर रहा है। तो जस्ट अगर हम देखें कोलाइडल जेल बैरियर सिस्टम, फिर ऐसा सिस्टम होगा जिसमें एक हमारा सस्टेन कंट्रोल रिलीज की लेयर है, उसके साथ हमने ब्लेंड किया हुआ ऐसा पॉलीमर जो कि पॉलीमर कोलाइड बना सकता है, कोलाइड लाइक जेल बना सकता है। तो ऐसा जैसे कि सेलुलोज का डेरिवेटिव है, वो सेलुलोज के डेरिवेटिव हमने इसमें फिल किए हुए हैं और ये सारा का सारा एक और कोट के साथ हमने इसको कवर किया हुआ है। तो वो पॉलीमेरिक कोट जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसके अंदर हमने एक प्लग लगाया हुआ है। वो प्लग जो है जैसा कि प्लग मैंने आपको वोलेटाइल लिक्विड कंटेनिंग सिस्टम में बताया कि वोलेटाइल लिक्विड कंटेनिंग सिस्टम में वो प्लग डिग्रेड कर देता है तो ये सिस्टम फिर सिंक कर देता है। इसी तरह इसमें भी एक प्लग है जो कि फिर उस सिस्टम को बॉडी से इवैक्यूएट करने के लिए यूज होगा। तो जैसे ही लिक्विड जो है वो पेनिट्रेट करता है एक्सटर्नल मेम्ब्रेन से, तो ये जो आपका सेलुलोज डेरिवेटिव जैसा आपने पॉलीमर यहाँ पे रखा हुआ है, वो पॉलीमर उसके अंदर जेल लाइक अपीयरेंस लेना शुरू हो जाता है। वो जेल लाइक अपीयरेंस लेता लेता वो कोलाइडल फेज में आ जाता है, तो कोलाइड बन जाता है जिसमें फिर उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसकी वेट जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये सिस्टम फ्लोट करना शुरू हो जाता है। तो इस सिस्टम के बहुत से डिसएडवांटेजेस हैं कि यानी कि फॉर एग्जांपल
इसमें अगर आपकी ड्रग की लेयर जो है वो भी कोलाइड में आना शुरू हो जाए तो फिर उस ड्रग का रेट ऑफ जो रिलीज है वो बहुत ज्यादा फास्टर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बाहर की मेम्ब्रेन से जितना फ्लूइड अंदर मूव करेगा उतना ही वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से जेल ड्रग को भी बाहर ले जाएगा। तो लेकिन अगर एफिशिएंटली आपने इसको डिजाइन किया हुआ है तो फिर ये सिस्टम बहुत सक्सेसफुल कंसिडर करेगा। तो आजकल ये यूज हम नहीं बनाते कोलाइडल जेल बैरियर सिस्टम, क्योंकि इसमें रिलीज को कंट्रोल करना काफी डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए हम ज्यादातर दूसरे सिस्टम्स के ऊपर ज्यादा रिलाई करते हैं। इनमें से फिर एक सिस्टम जिसको हम माइक्रो पोरस कंपार्टमेंट सिस्टम कहते हैं, ये भी मिलता जुलता है जैसे कोलाइडल जेल बैरियर सिस्टम है। तो माइक्रो पोरस कंपार्टमेंट में हमने दो कंपार्टमेंट बनाए हुए हैं, एक कंपार्टमेंट जो है वो ड्रग का है और एक कंपार्टमेंट जो है वो हमारा कोई गैस का है। अब ये हमने कोलाइडल जेल बैरियर सिस्टम के डिसएडवांटेजेस को ट्रीट करने के लिए हमने माइक्रो पोरस कंपार्टमेंट बनाया। हमने कहा जेल जो है वो एक कोलाइडल फेज ले लेती थी तो उसके अंदर ड्रग मिक्स होने की वजह से ड्रग जो है वो एब्रुप्ट रिलीज होना शुरू हो जाती। तो लेकिन माइक्रो पोरस कंपार्टमेंट में हमने एक कंपार्टमेंट सेपरेट कर दिया जिसमें फिर आपकी ड्रग है। तो ड्रग जो है वो एक ऐसे कंपार्टमेंट में है जो कि एक ऐसे पॉलीमर के साथ कोट हुआ हुआ है जो कि माइक्रो पोरस इन नेचर है, उसके पोर्स माइक्रोन इन साइज है, वो वाटर की एक फिक्स्ड क्वांटिटी ही अंदर पेनिट्रेट होने देते हैं और वो ड्रग को डिसॉल्व करके फिर वहां से वैक्यूएट होती है, यानी कि वो वहां से फिर डिफ्यूज आउट होना शुरू होती है। तो माइक्रो पोरस कंपार्टमेंट में एक कंपार्टमेंट माइक्रो पोरस है जिसमें से ड्रग एट अ कंट्रोल रिलीज कर रही है, और सेकंड एक कंपार्टमेंट है जो कि फिर गैस जनरेटिंग है, या वो गैस का कंपार्टमेंट है या कोई भी आपने लिक्विड का कंपार्टमेंट है, कोई भी और चीज आपने उसके साथ लगाई है, वो नॉर्मली एक गैस का कंपार्टमेंट लगाया, वो क्या उस कंपार्टमेंट की जो लेयर है वो लेयर नॉन परमीएबल है, और ये दोनों को आपस में हमने अटैच किया हुआ है कंप्रेस करके एक तरह एक जगह रखा हुआ है। तो अब ये सिस्टम जब एडमिनिस्टर किया जाता है तो जो गैस वाला कंपार्टमेंट है वो गैस जनरेट करना शुरू होता है, तो वो उस कंपार्टमेंट में गैस भरना शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल वो सॉलिड था या वो लिक्विड था तो वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो फिर फ्लोट करने लग जाएगा क्योंकि उसकी डेंसिटी कम कर देगा तो वो फ्लोट कर देगा, और ड्रग रिलीज जो है वो फिर इस कंपार्टमेंट में से होना शुरू हो जाएगी जो माइक्रो पोरस कंपार्टमेंट है। तो ये ड्रग की रिलीज को इन द फॉर्म ऑफ सस्टेन्ड या कंट्रोल रिलीज डिफाइन करना शुरू हो जाएगी। अच्छा, तीसरा एक सिस्टम है जिसको हम होलो माइक्रोस्फीयर कहते हैं। होलो माइक्रोस्फीयर्स में ये जब अगली दफा रिवाइज करेंगे तो ये सारा स्लाइड्स पे होगा, पिक्चर्स भी आपको दिखा दूंगा इसके। तो होलो माइक्रोस्फीयर्स में हमने कोई एक माइक्रो इनकैप्सुलेशन की टेक्निक यूज करनी है, उससे हमने एक माइक्रोस्फीयर्स बनाने, लेकिन वो माइक्रोस्फीयर जो है वो सेंटर से होलो होंगे। तो सेंटर से होलो हो सकते हैं, जैसे हमने लास्ट सेमेस्टर में भी डिस्कस किया था कि हम अगर सेंट्रल पार्ट को एवैक्यूएट कर दें, जो सेंटर में एक माइक्रो इमल्शन हम बनाए और उसमें से जो सेंट्रल पार्ट है यानी कि जो डिस्पर्स्ड फेज है उसको हम इवेपोरेट कर दें, तो उस के इवेपोरेट होने से वो गैस बन के वहां से निकल जाएगा। तो सेंटर में क्योंकि फिर एक गैसियस फेज आ जाएगा तो गैस के अंदर तो सॉलिड कंपैटिबल नहीं होगा, तो सॉलिड तो उसको फिर फिल नहीं करेगा, तो वो पोरस ही रहेगा, वो हॉलो ही रहेगा, तो हॉलो माइक्रोस्फीयर बन सकता है। तो हम इमल्सिफिकेशन टेक्निक से माइक्रोस्फीयर अगर बनाएं, और अगर आप रिवाइज करें, इमल्सिफिकेशन टेक्निक में हमारे पास सिंगल इमल्शन और डबल इमल्शन टेक्निक थी, हम उससे माइक्रोस्फीयर बना सकते थे। तो सिंगल इमल्शन में हम कहते हैं कि हमने कोई एक वाटर इन ऑयल इमल्शन बना ली है, तो वो सिंगल इमल्शन बन गई, यानी कि ऑयल एक हमारा वेपोरेटिंग फेज और वाटर हमारा जो है वो कंटिन्यूस फेज जो कि वेपोरेट नहीं कर रहा। तो हम एक इमल्शन बना लें जिसमें वाटर इन ऑयल हो, ड्रग हमारी चाहे ऑयल में हो चाहे वाटर में हो, वाटर के अंदर हमने उस पॉलीमर को डिसॉल्व करना है जो पॉलीमर हमारा सस्टेन्ड कंट्रोल रिलीज देने के लिए जरूरी है, और जो सेंट्रल है उसमें हमने वो वाला सॉल्वेंट डालना है, उससे हमने वो ड्रग को डिसॉल्व करके हमने वो रखा हुआ है सेंट्रल जो ऑयल फेज जो है वो एक्वस फेज है जिसमें पॉलीमर डिसॉल्व्ड है, और इसमें हमने ड्रग डिसॉल्व की हुई है, जो चाहे हमने एक्वस में ड्रग डिसॉल्व की हुई है या फिर हमने उस ऑयल में ड्रग डिसॉल्व की हुई है, इन आइदर फेज दोनों ने पास इसी से होके जाना है जो कि हमारा एक्वस फेज के अंदर पॉलीमर डिसॉल्व्ड है। तो जब हम इसको इमल्सिफाई कर लेंगे तो ऑयल इन वाटर इन
oil and water emulsion बन जाएगी. For example, oil and water emulsion बन गई है. Oil is a dispersed phase and water is a dispersion medium. तो जब हम इसको फिर evaporate करेंगे, हम इसका temperature जरा बढ़ा देंगे. Temperature बढ़ाने से oil जो है वो evaporate करना शुरू हो जाएगा. तो oil जो है central part से evaporate करेगा, तो इसमें gas बनना शुरू हो जाएगी. तो gas की वजह से ये खुद ही जो sphere होगा वो ऊपर evaporate करना शुरू हो जाएगा. ये cream होना शुरू हो जाएगा, तो ऊपर ऊपर आना शुरू हो जाएगा. तो जब आप देखेंगे तो ऊपर आना शुरू हो गया, तो उसमें से गैस, वो जो सॉलिड, वो जो लिक्विड है जो कि गैस फॉर्मिंग था, वो वहां से इवेपोरेट कर रहा होगा. तो इवेपोरेट करने से, यानी कि ऑयल जो है वो इवेपोरेट कर जाएगा. तो इवेपोरेट करने से वो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा और वो सेंटर से हॉलो हो जाएगा. ये ज्यादा आसान है अगर आप मल्टीपल इमल्शन से प्रिपेयर करें. मल्टीपल इमल्शन में हम बना सकते हैं, यानी कि हम दो एक जैसे फेज ले सकते, यानी कि वाटर इन ऑयल इन वाटर ले सकते हैं. तो एक हमने वाटर लिया हुआ है जो कि एक्सटर्नल फेज है, एक हमने ऑयल लिया हुआ वो इवेपोरेटिंग है, और एक हमने सेंट्रल भी नॉन एक्वस लेकिन वो वाटर ही है, वाटर की तरह का ही है, वाटर मिसिबल सब्सटेंस है, वो हमने लिया हुआ है लेकिन वो भी इवेपोरेटेबल. तो हम उन दोनों में से किसी एक को इवेपोरेट कर सकते हैं. तो इवेपोरेट करने से इवेपोरेट करने से वो सिस्टम हॉलो होना शुरू हो जाएगा. वहां से वो खाली हो जाएगा क्योंकि वहां पे और तो कुछ नहीं आ सकता, तो वो गैस फिल हो जाएगी उसके अंदर. गैस फिल होने से वो हॉलो कंडीशन लेना शुरू कर देगा. हॉलो होके वो ऊपर को इवेपोरेट करना, वो ऊपर सरफेस पे आना शुरू हो जाएगा. तो ये डिलीवरी सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली, ये आप गैस्ट्रिक इंजेस्ट भी करेंगे किसी भी पेशेंट को देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये सरफेस की तरफ फ्लोट करना शुरू हो जाएगा. अच्छा, बाकी हम फिर अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर बताएं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी स्लाइड्स भी प्रोवाइड कर दी जाएगी साथ ही, जो कि होलो माइक्रोस्फीयर से भी, माइक्रोपोरस से भी और कोलाइडल जेल से भी रेलिवेंट होंगी. तो कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर बताएं. अच्छा चलिए, ठीक है, ओके, अल्लाह.